Hello student, today we will be learning about the quality control test for rubber closure. So the first test we'll be performing for rubber closure will be the penetrability. So in this is measured to check the force required to make a hydrodermic needle penetrate easy through the closure. यानी कि हम इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि हमें कितनी फोर्स चाहिए कि जो भी हमारा हाइपोडर्मिक नीडल होता है वो हमारे जो ये रबर क्लोजर है उसके थ्रू वो पास कर जाए. नेक्स्ट, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द पियर्सिंग मशीन. तो जो हमारी पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट है हम उसको मेजर करते हैं हमारी पियर्सिंग मशीन के थ्रू. द पियर्सिंग फोर्स मस्ट नॉट एक्सीड अ स्टेटेड वैल्यू. और जो हमारी पियर्सिंग की जो फोर्स है वो हमारी स्टेटेड वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हमें दी हुई है उससे हमारी जो फोर्स है उससे एक्सीड नहीं कर सकती है. इफ इट एक्सीड दैट स्टेटेड वैल्यू द हाइपोडर्मिक नीडल कैन बी डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अनडिजायरेबल हार्डनेस ऑफ द क्लोजर. और अगर ये हमारी स्टेटेड वैल्यू से जो एक्सीड कर जाती है तो इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा हाइपोडर्मिक नीडल है हमारी वो डैमेज हो सकती है क्योंकि जो हमारी हार्डनेस है हमारे क्लोजर की वो हमारी उतनी जरूरत की नहीं है क्योंकि ज्यादा हार्ड हो गया तो चांसेस हैं कि हमारी नीडल जो है वो खराब हो जाएगी. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन टेस्ट. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 20 क्लोजर्स. तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन टेस्ट है वो हमारे 20 क्लोजर्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है. Each closure is penetrated with hypodermic needle in a piercing machine 5 times within a limited area and needle is washed to transfer any fragment present. अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा क्लोजर है उसको हम हाइपोडर्मिक नीडल से पियर्सिंग मशीन के थ्रू 5 टाइम्स किसी एक लिमिटेड एरिया में हम उसको क्या करेंगे पियर्स करेंगे और फिर नीडल को हम वॉश कर देंगे और हम टू ट्रांसफर एनी फ्रेगमेंट प्रेजेंट और ये देखने के लिए कि कोई फ्रेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है. नेक्स्ट, द कंटेंट्स आर फिल्टर्ड थ्रू कलर्ड पेपर दैट कॉन्ट्रास्ट विद द रबर एंड द फ्रेगमेंट काउंटर. फिर हम जो ये कंटेंट है उसको फिल्टर करेंगे कलर्ड पेपर के थ्रू जिसका कॉन्ट्रास्ट होगा जो कि हमारे रबर क्लोजर का कलर होगा उससे और हम जो हमारे फ्रेगमेंट्स है उसको काउंट करेंगे. ऑन एन एवरेज देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 फ्रेगमेंट्स पर यूनिट. और हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये हमारा फ्रेगमेंट्स है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एवरेज होना चाहिए वो हमेशा 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर यूनिट. थर्ड इज सेल्फ सीलिबिलिटी टेस्ट. एप्लीकेबल टू मल्टी डोज कंटेनर्स, फिल 10 वायर्स विद वाटर, क्लोज देम विद प्रिपेयर्ड क्लोजर्स एंड सिक्योर विद द कैप. अब हमारा सेल्फ सीलिबिलिटी में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है मल्टी डोज कंटेनर्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल करता है. तो इस केस में हम क्या करेंगे 10 वायर्स जो है हम उसको वाटर के से हम उसको फिल कर देंगे और जो हमारे क्लोजर्स हैं बनाए गए हैं इन स्पेसिफिकली हमारे कंटेनर्स के लिए उसको हम क्लोज कर देंगे उससे और हम उसे कैप के साथ सिक्योर कर देंगे. फॉर ईच क्लोजर यूज अ न्यू हाइपोडर्मिक नीडल एंड पियर्स 10 टाइम्स ईच टाइम एट डिफरेंट साइट. इमर्स द वायर्स अप्लाइड इन मिथाइलिन ग्लू सॉल्यूशन एंड रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर फॉर 10 मिनट. फिर हम क्या करेंगे कि हम हर एक क्लोजर के लिए एक तो नई हाइपोडर्मिक नीडल यूज करेंगे और हम डिफरेंट साइड्स पे किसी एक बॉटल के ऊपर 10 बार हम उसको क्या करेंगे पियर्स करेंगे. मतलब 10 टाइम करेंगे एक के ऊपर, हमारे पास 10 है यानी कि 100 टाइम्स हुआ और जो ये 10 हमने वायल्स ली हुई है तो इसके ऊपर 10 हमें हाइपोडर्मिक नीडल्स हमें इसके लिए यूज करनी पड़ेगी. और फिर हम क्या करेंगे जब हमारा इसको पियर्सिंग हम कर देंगे तो हम इसको अपराइट पोजिशन में मिथाइल ब्लू का जो सोल्यूशन है 0.1% जो है सोल्यूशन उसके अंदर हम इसको अपराइट पोजिशन में रख देंगे और क्या करेंगे जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देंगे 10 मिनट्स के लिए. नेक्स्ट, रिस्टोर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड लीव द वायर्स इमर्स्ड फॉर 30 मिनट. फिर हम क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रिस्टोर कर देंगे और वायर्स को हम 30 मिनट के लिए मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के अंदर उसको रखे रहने देंगे. रिंस द आउटसाइड ऑफ द बॉल. फिर हम क्या करेंगे आउटसाइड ऑफ द वायर्स हैं उसको हम रिंस करेंगे. नन ऑफ द वायर्स कंटेन एनी ट्रेस ऑफ कलर सॉल्यूशन. और जो हमारी कोई भी जो वायर्स है वो क्या करेगा कि उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि अगर सॉल्यूशन होगा तो यानी कि उसकी सेल्फ सीलिबिलिटी नहीं है और अगर वो कलर नहीं है यानी कि वो सेल्फ सीलेबल है. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव टेस्ट. इन दिस टेस्ट द कलर क्लोजर इज बॉइल्ड विद वाटर फॉर 4 आवर्स अंडर रिफ्लक्स एंड द वाटर इवेपोरेटेड टू ड्रेन. इस वाले केस में हम क्या करेंगे जो हमारा क्लोजर है हम उसको वाटर के साथ बॉइल करेंगे 4 आवर्स के लिए और रिफ्लक्स के अंडर और फिर हम वाटर को इवेपोरेट कर देंगे ड्राइनेस के लिए. द रेसिड्यू मस्ट नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड अमाउंट.
और जो हमारा रेसिड्यू होगा वो हमारा स्पेसिफाइड अमाउंट को जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज कंपेटिबिलिटी टेस्ट. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ द रबर क्लोजर विद वेरियस टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस सिंस इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल एंड द क्लोजर. तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे रबर क्लोजर के अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे रबर क्लोजर का और उसके बॉटल के कंटेंट के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट इज लाइट एब्जॉर्प्शन फिल्टर सोल्यूशन. फिर हम लाइट एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करेंगे, फिल्टर सॉल्यूशन थ्रू अ मेम्ब्रेन फिल्टर मेजर द लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड इन द रेंज 220 टू 360 नैनोमीटर यूजिंग अ ब्लैंक सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू और फिर हम मेजर करेंगे एब्जॉर्बेंस को रेंज में 220 टू 360 नैनोमीटर ब्लैंक सॉल्यूशन के थ्रू, और हम हमारी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो हमारी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट भी है हमारा लाइट एब्जॉर्बेंस का. तो फिल्टर सॉल्यूशन ए थ्रू मेम्ब्रेन से हमने इसको फिल्टर किया, वही सेम चीज है, इसके अंदर भी हम 220 से 360 नैनोमीटर तक हम इसके एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे और इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.